नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग? आशा आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, देखिए गांधीनगर निकाय चुनाव का रिजल्ट आ चुका है। गुजरात के गांधीनगर में निकाय चुनाव हुए थे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, जिसके नतीजे आ चुके हैं। कुल 44 सीटें थी इसमें। गांधीनगर के 11 वार्डों के 44 सीटों के लिए कुल 162 उम्मीदवार मैदान में थे। जहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम बात करें 44 सीटों की, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत हासिल की है। अभी आपको बताएंगे कौन सी पार्टी कितनी सीटें मिली थी, लेकिन बीजेपी का शानदार प्रदर्शन रहा और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में यह पहला चुनाव लगभग हुआ है उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद, और उन पहले चुनाव में शानदार जीत जो है कि हासिल हुई है भारतीय जनता पार्टी को। मुख्य लड़ाई भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच थी। चुनाव पूर्व माना जा रहा था कि लड़ाई त्रिकोणी होगी, मुकाबला कड़ा होगा, परंतु नतीजों से ये साफ पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एकतरफा जीत हासिल की है गांधीनगर नगर निगम चुनाव में। चलिए अब हम सीटों की बात कर ले, कौन सी पार्टी के खाते में कितनी सीटें गई। तो अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो बीजेपी ने 90% से अधिक सीटों पर जीत हासिल की। अगर हम बात करें 44 सीटों की, तो देखिए जो 44 सीटें थी उन 44 सीटों में भाजपा को 41 सीटों पर जीत मिली है। जबरदस्त जीत, एकतरफा जीत भूपेंद्र पटेल के मुख्यमंत्री बनने के बाद। पहला चुनाव था गुजरात में निकाय चुनाव, और इस निकाय चुनाव में जो है कि शानदार जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। 44 में से 41 सीटों पर, यानी लगभग 90% से अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई है। वहीं कांग्रेस की बात करें, तो कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। कांग्रेस को महज 2 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। कांग्रेस की स्थिति काफी जो है कि निराशाजनक रही। कांग्रेस को केवल 2 सीटें मिली। नेक्स्ट अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, तो माना जा रहा था कि आम आदमी पार्टी जो कि सूरत की तरह कड़ी टक्कर दे सकती है गांधीनगर में भी, लेकिन आम आदमी पार्टी को केवल 1 सीट से ही संतोष करना पड़ा। तो यहाँ पर बीजेपी की आंधी के सामने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही नहीं टिक सकी।